हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं टाटा की एक और नई गाड़ी के बारे में जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है और वो बहुत ही जल्दी आपको रोडों पे दौड़ते हुए दिखने वाली है। तो आज हम उस गाड़ी का फुल रिव्यू करते हैं, उसका प्राइस जानते हैं, उसका माइलेज जानते हैं, उसमें क्या क्या गाड़ी में दिया हुआ है वो सब पूरे जानते हैं। बट उस गाड़ी को सबसे पहले बताया जा रहा है कि वो मार्केट में आते ही धूम मचाने वाली गाड़ी कही जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा की HBX के बारे में। तो ये गाड़ी दोस्तों टाटा के 2.0 लैंग्वेज पे बेस्ड है और ये बताया जा रहा है कि अल्फा प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो कि आपकी टाटा एल्ट्रोज आई थी और टाटा सफारी जिस प्लेटफॉर्म पे बनी थी वही प्लेटफॉर्म इस गाड़ी के लिए भी यूज़ किया गया है। इस गाड़ी में भी आपको 90° ओपन डोर देखने को मिलता है और दोस्तों HBX में काफ़ी बोल्ड एंड स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम इसके लाइटिंग की बात करते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी और अगर इसके ठीक नीचे बात करते हैं तो स्प्लिट LED हेडलैम्प देखने को मिलती है। जैसा कि बेस मॉडल में आपको हाइलोजन लाइट ही देखने को मिलेगी, लेकिन आप टॉप एंड वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही अगर हम साइड से बात करें तो साइड से बहुत ही स्पोर्टी लगती है देखने में, जो कि सबका दिल जीतने वाली गाड़ी है। अब हम चलते हैं रियर की तरफ। तो रियर की तरफ ने टाटा ने कुछ नया करने का ट्राई किया है। अब दोस्तों रियर साइड में आपको एंगुलर टेल लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि SUVs में देखने को मिलती है, और एक लाइट जो है काफ़ी नए डिज़ाइन की देखने को लग रही है। अगर हम टाटा की गाड़ी में ओवरऑल लुक देखते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है और टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलेगा वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको TFT स्क्रीन और राइट साइड में आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा। HBX में आपको 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले पर रन करेगा। इसमें जो AC विंड आपको मिलेंगे वो स्क्वायर टाइप AC विंड आपको मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा और साथ ही एक इस गाड़ी में नई चीज़ देखने को मिलती है हमें, जो कि है कंपास, ये इस गाड़ी में दिया गया है। साथ ही स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग सेम नेक्सॉन एल्ट्रोज की ही तरह देखने में लगता है। स्टीयरिंग में आपको सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाटा की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो टाटा की सेफ्टी के हिसाब से ये भी ग्लोबल मार्केट में आपको 5 स्टार लाने वाली गाड़ी मानी जा रही है। इसमें आपको वेरिएंट के हिसाब से एयरबैग देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको ABS, ESP, रियर पार्किंग सेंसर, EBD और भी बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि इसमें अल्टोज की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करता है 86 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 113 Nm का। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो टाटा ने आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया है। 5-speed गियर मैनुअल दे रखा है और 5-speed AMT दे रखा है। तो टाटा ने ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है कि इसने दोनों वेरिएंट में अपनी गाड़ी दे दी है, AMT में भी दी है और मैनुअल में भी दी है। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो इसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो ये आपको गाड़ी 2021 के लास्ट में देखने को मिल जाएगी या 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये गाड़ी आपको 4.5 लाख से स्टार्ट होगी और 6-7 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके माइलेज की बात करते हैं तो इसमें टाटा ने जैसे अपनी सभी गाड़ियों में माइलेज मिलता है 18, 19, 20 का, ऐसे ही इसमें माइलेज क्लेम किया है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू।